विदिशा के राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में खिलाड़ियों को दिए जा रहे खाने में कीड़े निकलने की बात सामने आई है, जिसको लेकर अब खिलाड़ियों ने भी शिकायत दर्ज कराई है। 68वीं राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन विदिशा जिले के खेल स्टेडियम परिसर में किया जा रहा है। ताइक्वांडो प्रतियोगिता में देश भर के 1483 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और भाई मित्र कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया सारा। सर स्मेल आ रहा है, आप कहीं सर स्मेल देखिए सर, खाने में तो दिख रहा है सर, ये तो हमारे अभी खाया तो बोला जीएम जनरल मैनेजर इतने लोग 1300 बच्चे खा रहे, 1300 बच्चे खाना खा लिए, तबियत भी खराब हो रहा है, इसलिए अभी बोला सर। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र, यूपी से। क्या समस्या आ रहा है यहाँ पे? खाना अच्छा नहीं है। क्या खाना अच्छा नहीं, मतलब खाने में स्मेल आ रही है, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। कितने बच्चे हुए ऐसे जो शिकायत की? साथ वाले बहुत से अभी यहाँ पे आए नहीं, बहुत सारे साथ से, इन लोगों की भी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे बस खा रहे हैं चावल वगैरह, कोई नहीं खा रहा, सेम ही खाना मिल रहा। आपने शिकायत की? शिकायत अभी की। उन्होंने क्या कहा आपसे? सर ने बोला कि बाहर से खा लीजिए। सर आप विदिशा आए? आप सर क्या नाम है और किस पद पे? संजय शर्मा, सहायक संचालक, जॉइंट डायरेक्टर ऑफिस भोपाल। सर विदिशा आए हैं? विदिशा मुझे ऑब्जर्व करने के लिए है, जो भी टूर्नामेंट चल रहा है उसका निरीक्षण करना, व्यवस्थाएं भी कुछ कैसे हैं ये सब देखना। मैं अभी मेस में आया हूँ, इसमें मेस में थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए कहा है, जैसे बासमती चावल का यूज़ करना है रोज, और दिन में रायता भी देना है, और जो भी निर्धारित मीनू है उसके अनुसार खाना दिया जाए। तो अभी मैंने देखा जो कमी थी वो मैंने बताया। सर अभी जो उस्ताद थे वो कह रहे थे कंट्रोल का चावल दे रहे हैं, ये कंट्रोल का चावल तो नहीं दे सकते, जो भी ये चावल, तो चावल के बारे में मैंने बोल दिया कि बासमती दें। क्या पूछना है? क्या नाम है आपका? कहाँ से? नाजमिन है, नाजमिन अजलेकर है, मैं गोवा से हूँ। बच्चों के साथ आए? बच्चों के साथ आए हैं, पेरेंट्स हैं। क्या व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था नहीं है, हम लोग को बुला के लाए थे कि इधर 5 स्टार रखेंगे, लेकिन इधर 5 स्टार छोड़ के इधर रहने के लिए ठिकाना नहीं है, फिर हाँ खाने की सुविधा बराबर नहीं है, इधर खाने में कीड़ा मिल रहा है, कल खाना कच्चा था, ऐसे ही बच्चों लोगों ने खाया, उनको पेट खराब हो जाएगा ना, वो तो भी सोचना चाहिए ना। आप लोगों ने कुछ अधिकारियों से शिकायत वगैरह? शिकायत की थी, शिकायत कोई कुछ फायदा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कितने पेरेंट्स आए हैं आप? हमारे इधर से तो 15 पेरेंट्स है, 15 है, हाँ 15 है। और क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? और टॉयलेट, टॉयलेट की बहुत दिक्कत है, टॉयलेट की बहुत दिक्कत है, इतनी बदबू मार रही है, अरे बापरे, बहुत 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 गंदगी है, बहुत गंदगी है, हाइजीनिक है सब कुछ, हाइजीनिक, बच्चों को थोड़ा बहुत तो सेफ्टी मिलना चाहिए ना, ऐसे रहेंगे नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। टॉयलेट तो इतना गंदा है, आप थोड़ा वीडियो निकालो देखिए कैसा, बहुत गंदा है, मैं बोल नहीं सकती, बेटियां हैं वो जा नहीं पा रही है अंदर, हम लोग हमारे रूम पे लेके जा रहे हैं टॉयलेट, और 4 दिन है, और 4 दिन है, कैसे रहेंगे समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कैसे दिन, और 4 दिन है, कैसे 4 दिन और जाएंगे मालूम, और दिन 4 दिन होगा, 8 दिन का, 8 दिन का, 8 दिन का बच्चे लोग कैसे टूर्नामेंट अपना 8 तारीख से प्रारंभ हुआ, 12 नवंबर तक चलेगा। खाने पीने के लिए कॉमन व्यवस्था की गई है, 2 ब्लॉक में इसको बनाया गया है,
शाकाहारी भोजन की अलग व्यवस्था की गई है और मांसाहारी भोजन की अलग व्यवस्था की गई है। इसकी गुणवत्ता चेक कैसे की जा रही है? कुछ बच्चों का कहना है कि खाना अच्छा नहीं मिलता। बच्चों की गुणवत्ता के लिए खाद्य विभाग की डॉक्टर की टीम है, सबसे पहले वो परीक्षण करती है, इसके साथ में जो हमारी टीम है वो भी निरीक्षण करती है। जब भोजन की गुणवत्ता उत्तम पाई जाती है उसके बाद ही बच्चों को भोजन दिया जाता है।